नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उदित एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रविंद्र बिश्नोई हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ समय से हम इस चैनल पर मंथन प्री रीट टेस्ट सीरीज के द्वारा आयोजित की जाने वाली टेस्ट सीरीज के वीडियो हल सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे चलाते हुए आज हम SST की यूनिट 8 को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का आयोजन उदित एजुकेशन्स के द्वारा करवाया जा रहा है और यह टेस्ट 3 जून को आयोजित हुआ था। दोस्तों, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। पहला प्रश्न है, बीहड़, डांग या उत्खात भूमि किसके द्वारा निर्मित है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, लूणी, चंबल, माही, बनास। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले हमें यह समझना होगा कि बीहड़, डांग या उत्खात भूमि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जब कोई नदी अपने तेज बहाव के कारण अपने किनारे को काटती हुई आगे बढ़ती है, जिससे उसके किनारों पर बड़े कटाव बन जाते हैं और उन कटावों के कारण बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तो वह भूमि बीहड़ कहलाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में बहने वाली चंबल नदी, जो कि अपने तेज बहाव के कारण बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चंबल, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चंबल नदी के द्वारा जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है और इन बीहड़ों वाली भूमि को डांग क्षेत्र कहा जाता है। चंबल नदी राज्य के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली एक सदा नीरा नदी है, अर्थात यह वर्ष भर बहते रहने वाली नदियों में से एक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गुजरात के खेड़ ब्रह्म से दिल्ली तक अरावली की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, 692 किलोमीटर, 782 किलोमीटर, 894 किलोमीटर या 595 किलोमीटर। तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण धरती के निर्माण के साथ ही हुआ था और यह पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। इसकी गुजरात के खेड़ ब्रह्म से दिल्ली की रायसीना हिल तक कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, बिसलपुर परियोजना, अरावली। तो दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर है, उसे मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, जबकि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कि यह खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग सभी प्रकार के जो खनिज राजस्थान से उत्खनित होते हैं, उनका उत्खनन अरावली से ही होता है और इन खनिजों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागर से आने वाले मानसून को रोक करके राजस्थान के अंदर होने वाली वर्षा का कारण बनती है। दोस्तों, अरावली के कारण दक्षिणी राजस्थान व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और इस कारण से राजस्थान का यह हिस्सा एक उपजाऊ क्षेत्र के अंदर पनपा है, इसलिए अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं आती हैं? तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं आती है, जिनमें शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु प्रमुख है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जो कि सिरोही ज़िले में स्थित है।
जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है। दोस्तों, कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ नामक चार जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया संभाग, तो कोटा संभाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, 7, 9। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अब ये 5 कौन सी है? सबसे पहले आते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, वो हिस्से जहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, वो हिस्से जहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, वे भाग जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चौथे नंबर पर आते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, वे हिस्से जहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अंतिम व पांचवा प्रकार है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वे भूभाग जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कुल 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बनास, बेड़च व मैनाल का संगम किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये 3 नदियों के संगम की बात हो रही है और राजस्थान में 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है और राज्य में ऐसे कुल 3 प्रमुख त्रिवेणी संगम हैं, जिनमें सबसे पहला आता है बिंगोद भीलवाड़ा, जहाँ की बात हो रही है ये बनास, बेड़च व मैनाल नदी का संगम है। तो दोस्तों, बिंगोद भीलवाड़ा, यहाँ पर बनास, बेड़च व मैनाल नदी का संगम होता है। इसके अतिरिक्त राजमहल, ये त्रिवेणी भी है, जहाँ पर बनास, डाई व खारी नदी का संगम होता है। यह त्रिवेणी देवली टोंक में स्थित है। इसके अलावा एक और त्रिवेणी है जिसे रामेश्वर घाट कहा जाता है। दोस्तों, यह सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पर बनास, चंबल व सीप नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है, लूणी का जल किस स्थान पर खारा हो जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीनमाल, जालोर, सांचोर, बालोतरा। तो दोस्तों, लूणी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है और बाड़मेर में बालोतरा नामक स्थान तक मीठी नदी कहलाती है। लेकिन बालोतरा के अंदर पाई जाने वाली उच्च लवणयुक्त भूमि के कारण इसका पानी आगे खारा हो जाता है और यहाँ से आगे यह खारी नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर बालोतरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की सदा नीरा नदी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घग्गर, लूणी, बनास, चंबल। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, चंबल जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये पूर्वी राजस्थान में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, जो कि वर्ष भर बहती रहती है और वर्ष भर बहने वाली नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भरतपुर के घना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है? तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सोम, जाखम, बाणगंगा, बनास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बाणगंगा नदी होगा। दोस्तों, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, घना पक्षी विहार भरतपुर में एक नम भूमि क्षेत्र का निर्माण करता है और ये जो नदी है ये नम भूमि क्षेत्र को बनाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं नम भूमि क्षेत्र कहते किसे हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहां 12 में से 8 महीने तक नमी रहती है उन्हें नम भूमि क्षेत्र कहा जाता है और नम भूमि क्षेत्र को ही रामसर भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर कुल 2 रामसर क्षेत्र हैं, जिनमें से एक घना पक्षी विहार भरतपुर और दूसरा सांभर झील है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कहां पर संचालित है? कोटा, बारां, बूंदी या बांसवाड़ा? तो दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना की अगर बात की जाए तो ये बांसवाड़ा में स्थित भारत की प्रमुख अंतरराज्य नदी परियोजना है। इस नदी परियोजना की अगर हम बात करें
तो दोस्तों इसकी नींव मोरारजी देसाई के द्वारा रखी गई। इस परियोजना का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमुना लाल बजाज के नाम पर किया गया। इस परियोजना के माही नदी से जुड़े होने के कारण इसका पूरा नाम माही बजाज सागर रखा गया। अगला प्रश्न है, किस नदी के जल को गंग नहर के माध्यम से तत्कालीन बीकानेर रियासत में लाकर मरुभूमि का कायाकल्प कर दिया गया? घग्गर, सतलज, काली सिंध या व्यास? तो दोस्तों यहाँ पर सतलज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी के पानी को गंग नहर के माध्यम से तत्कालीन बीकानेर रियासत में लाने के लिए एक नहर का निर्माण किया। उस नहर को गंग नहर कहा गया और इसी नहर के पानी को वर्तमान श्री गंगानगर, जिसे प्राचीन समय में रामनगर कहा जाता था, वहां तक लाया गया और उस क्षेत्र में इस नहर ने कायाकल्प करते हुए पूरे क्षेत्र को ही बदल कर रख दिया और वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने के कारण वह वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख जिलों के अंदर शामिल है। अगला प्रश्न है, जवाई परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? तो दोस्तों जवाई बांध राजस्थान में पाली जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था और स्टेट इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में इस बांध का निर्माण हुआ था। यह बांध जोधपुर व पाली जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, IGNP का अंतिम सिरा किस स्थान तक है? तो दोस्तों यहाँ पर IGNP का पूरा नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और इसका अंतिम सिरा गडरा रोड बाड़मेर है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। दोस्तों इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म कहां पर स्थित है? सूरतगढ़, जैतसर, सेवर, हनुमानगढ़? तो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म जैतसर में स्थित है। दोस्तों यह जैतसर श्रीगंगानगर जिले के अंदर है। कनाडा की सहायता से 1 अगस्त 1964 को इस कृषि फार्म की स्थापना की गई और इसी स्थापना के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म बन गया। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बनास, नर्मदा, गोमती, सरस्वती? तो बताना चाहूँगा कि जयसमंद झील का मूल नाम ढेबर झील है और यह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों इस झील के बारे में खास बात यह है, इसे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने 1711 से 1720 में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों गोमती के अलावा स्थानीय 9 नदियां और 99 नाले इसमें गिरते हैं। इसमें गिरने वाली नदियों में गोमती के अलावा झामरी नदी प्रमुख है और नालों में वगुरवा नाला प्रमुख है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी के जल को पेयजल व सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा रहा है? साबरमती, माही, नर्मदा, बनास? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर संचालित होने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान में पेयजल व विद्युत आपूर्ति करता है। इस बांध के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थापन की चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भारत में किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? सरसों, बाजरा, ऐ दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सरसों में बाजरा दोनों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, जबकि बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहां से प्राप्त होता है? डेगाना, बरसिंहसर, घोटारू, मकराना? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयले की एक किस्म है। कोयला अपने दहन व ज्वलनशीलता के कारण 4 विभागों में विभाजित किया गया है।
सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रेसाइट कहलाता है, दूसरे नंबर पर बिटुमिन्स, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट और चौथे नंबर पर पीट कहलाता है। दोस्तों पीट सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार बरसिंहसर से प्राप्त हुए हैं जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना है, हमसे पूछा गया है नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तनोट, मंगला, मनिहारी टिब्बा, पलाना। तो दोस्तों बरसिंहसर पलाना ये एक कोयला खनन क्षेत्र है, जबकि तनोट, मंगला और मनिहारी टिब्बा ये खनिज तेल क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पर खोली गई? लाखेरी, भोपालसर, सीतापुरा या ब्यावर? तो दोस्तों राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल या सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर के अंदर सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, खेतड़ी, भीलवाड़ा, कोटा। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित एक फर्म है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान मैरिनो खादी के लिए चर्चित है? बीकानेर, अलवर, सीकर, जैसलमेर। तो दोस्तों जैसलमेर व जोधपुर दो ऐसे स्थान हैं जो कि मैरिनो खादी के लिए चर्चित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहां पर खोली गई? दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, यहां पर हमसे अगर चीनी मिल कहा जाता तो हम ज़्यादा आसानी से इसे समझ लेते, लेकिन शक्कर और चीनी मिल एक ही बात है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से खोली गई थी और ये भोपाल सर या इसे भोपाल सागर भी कहा जाता है नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जालौर सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है। जालौर का साक्षरता प्रतिशत मात्र 54.9% रहा, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कोटा था जिसका साक्षरता प्रतिशत 76.6% रहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सहरिया जनजाति की अधिकता के कारण जाना जाता है? जयपुर, बारा, कोटा, भीलवाड़ा। तो दोस्तों सहरिया जनजाति के बारे में बताना चाहूँगा, ये राजस्थान की एकमात्र आदम जनजाति है और यह जनजाति स्थानांतरित कृषि करने के कारण जानी जाती है। दोस्तों यह जनजाति 12 जिले के अंदर बहुतायात में पाई जाती है और इस जनजाति के कबीले में रहने के कारण इनकी बस्ती सहराना और इनका मुखिया कोतवाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मेला किस स्थान पर भरता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों बांसवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर माता बाढ़ी नामक स्थान पर माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रतिष्ठित है। दोस्तों इस मंदिर के आसपास प्राचीन काल में 3 दुर्ग थे जिनका नाम शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी था। इन 3 पुरियों के कारण ही माँ का नाम त्रिपुरा पड़ा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 और राष्ट्रीय राजमार्ग 11। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 15 इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में इसकी कुल लंबाई 875 किलोमीटर है और इसमें NH-68, NH-11 और NH-62 को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का कितना भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? 6000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर? तो दोस्तों भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है और भारतमाला परियोजना का 1500 किलोमीटर भाग राजस्थान में से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहां पर शुरू की गई थी? तो देखिए यहां पर ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, राजस्थान में जयपुर के अंदर सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू की गई थी जो कि मानसरोवर से चांद पोल के बीच थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया?
तो दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 में दिया गया। 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। और दोस्तों राजस्थान की ही योजना को आधार मान करके भारत में भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन 1989 होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? 2, 3, 5 और 6। तो दोस्तों राजस्थान को जलवायु के आधार पर केवल 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला मावठ से प्रभावित होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी राजस्थान मावठ से प्रभावित होता है। वो मध्य सागरीय चक्रवातों, जिन्हें जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा मावठ कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मावठ के बारे में बताना चाहूँगा कि इससे रबी की फसल को विशेष फायदा होता है और रबी की फसल में भी गेहूं को सबसे ज़्यादा लाभ इस मावठ से होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की लकड़ी सबसे कठोर होती है? शीशम, गूलर, धोंक, सालर। तो दोस्तों धोंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। धोंक राजस्थान में पाए जाने वाले ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी सबसे अधिक कठोर होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभयारण्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? केवला देव, सरिस्का, रणथंभौर या घना पक्षी विहार। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि केवला देव राष्ट्रीय अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़, खिंचन, खेजड़ली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयपुर में स्थित नाहरगढ़ राजस्थान का जैविक उद्यान है। दोस्तों इसकी स्थापना जून 2016 में हुई थी और इस उद्यान में रामनिवास बाग चिड़ियाघर या जयपुर चिड़ियाघर को भी नाहरगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसी के साथ यह विविध वनस्पतियों और वन्य जीवों से भरा पूरा अभयारण्य बन गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? 33, 44, 51 या 22। तो दोस्तों 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार इनका निर्माण वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किया गया था। कोटसर जो कि सावंतसर चूरू के अंदर स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा तथा संथालसर सबसे छोटा अखेट निषिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? रणथंभौर, केवला देव, सीता माता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सीता माता राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टियों को रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6, 5, 7 या 8। तो दोस्तों राजस्थान में मिट्टियों को उनके रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग हैं, लेटेराइट, बालू, लाल, काली, जलोढ़ व लवणीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों यह मरु उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी, सफ़ेद बाघ, कब्र बिज्जू या साइबेरियन सारस। तो दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रवासी पक्षी दिसंबर महीने के अंदर राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? अरणा, लाना, धोंक, झड़बेर। दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं, धोंक राजस्थान में पाए जाने वाले वे विशेष वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी अधिक कठोर होने के कारण जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर धोंक तो वृक्ष हो गए, जबकि अरणा, लाना और झड़बेर ये मरुस्थलीय
कंटीले वनों की झाड़ी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किसका अंश अधिक पाया जाता है? पोटाश, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम। तो दोस्तों, लाल मिट्टी के अंदर लोहे का यानी कि आयरन का तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगर हम बात करें लाल मिट्टी की, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसका रंग लाल दिखाई देता है और ये अपनी कठोरता के कारण जानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस समाज के 29 सूत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों, जाम्बोजी के द्वारा स्थापित बिश्नोई संप्रदाय के 29 सूत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, संत जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने काल के अंदर ही भविष्य के पर्यावरण संकट को ध्यान में रखते हुए बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए 29 नियमों को आधार मान करके बिश्नोई संप्रदाय ने अनेक बार वन्य जीवों व वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, जो कि पूरे मानव समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए चर्चित स्थल कौन सा है? वुड फॉसिल पार्क, केवला देव अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य या चंबल अभयारण्य? तो दोस्तों, चंबल अभयारण्य, जो कि वर्तमान में सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर व करौली जिले में विस्तृत है, घड़ियाल संरक्षण के लिए चर्चित है। दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि घड़ियाल मगरमच्छ की ऐसी प्रजाति है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली किस मिट्टी में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? लाल, काली, मरुस्थलीय, कछारी। तो दोस्तों, राजस्थान में जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसमें लवणता सबसे अधिक पाई जाती है और पोषक तत्व सबसे कम पाए जाते हैं। इसी कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भूमिगत जल भी खारा होता है और यहाँ पर जो झीलें हैं या यहाँ से गुजरने वाली जो नदियाँ हैं वो भी अक्सर खारे जल वाली होती हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगर नाम से जाना जाता है? काली, लाल, मरुस्थलीय या लाल पीली? दोस्तों, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लिंगानुपात पिछले लिंगानुपात की तुलना में 5 बड़ा है, 5 घटा है, 3 बड़ा है या 3 घटा है? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 था और अगर हम बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार तो राजस्थान का लिंगानुपात 922 था। इस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के लिंगानुपात में 6 की वृद्धि हुई है, लेकिन इस ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है और 6 के समीपस्थ 5 दिया गया है, तो 5 वृद्धि को हम यहाँ पर सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, धौलपुर, जालौर, गंगानगर। तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है और धौलपुर का लिंगानुपात मात्र 846 है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है जो कि 994 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है? दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 869 किलोमीटर है। दोनों स्थानों के बीच में अंतर 43 किलोमीटर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो दोस्तों, राजस्थान के साथ कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिनमें शुरुआत पंजाब से, उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जबकि पंजाब सबसे कम 89 यानी कि 89 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह तंत्र कहते किसे हैं। तो दोस्तों, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल प्रवाह क्षेत्र के विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहा जाता है। राजस्थान में ही
उद्गम होकर के राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। वे नदियाँ जो राज्य के बाहर से आती है या राज्य से बाहर कहीं जाती है तो उन्हें अंतर्राज्य नदियाँ कहा जाता है। और राज्य की एकमात्र घग्गर नदी जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है और पाकिस्तान के अंदर भी प्रवाहित होती है तो इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय अपवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? चंबल, लूणी, बनास, माही। तो दोस्तों माही नदी के द्वारा छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों बांसवाड़ा के क्षेत्र में 56 गांवों के समूह हैं इस नदी के द्वारा पोषित होते हैं। इस नदी के बेसिन में होने के कारण ही इस मैदान को छप्पन का मैदान या छप्पन का बेसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्य में वर्षा की तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है और सबसे कम वर्षा वाला स्थान फलोदी है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? कोटा, झालावाड़, बारां या सिरोही। तो दोस्तों झालावाड़ राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है, माउंट आबू राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है और कोटा सबसे आर्द्र संभाग है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे शुष्क जिले की तो सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व की पठारी भूमि को किस नाम से जाना जाता है? रायसीना, भोराट, हाड़ोती या डांग। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पूर्व की जो पठारी भूमि है जिसे मालवा के पठार का विस्तार भी कहा जाता है यह हाड़ोती क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इस हाड़ोती प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 मीटर है और इस क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस स्थान पर बनास में मिल जाती है? रामेश्वर, सांगोद, गोविंदगढ़, बालोतरा। तो दोस्तों रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है यहाँ पर चंबल नदी एक त्रिवेणी के द्वारा बनास और सीप नदी के अंदर समाहित हो जाती है। दोस्तों यह स्थान धार्मिक व आस्था का केंद्र भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसके अलावा श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान यहाँ पर एक दिन बिताया था। इसके अलावा यह स्थान कार्तिक पूर्णिमा व महाशिवरात्रि को आयोजित विशाल मेले के कारण भी चर्चित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? आना सागर, राजसमंद, पिछोला या जैसमंद। तो दोस्तों जैसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। यह एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने का गौरव रखती है। इसका मूल नाम ढेबर झील है जिसे उदयपुर के महाराणा जय सिंह की स्मृति में जैसमंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अलवर, नागौर या अजमेर। तो दोस्तों सिलीसेड झील अलवर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। विनय सिंह ने इस झील के किनारे अपनी रानी शीला के लिए एक महल का निर्माण किया जिसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। यह RTDC का एक महत्वपूर्ण होटल है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन, टांका, तालाब या जोहड़। तो दोस्तों भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई तकनीक जोहड़ कहलाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में जल संचय हेतु बनाई गई कुएंनुमा संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, खड़ीन, जोहड़, टांका, पोखर। दोस्तों टांका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पश्चिमी राजस्थान में जल संचय हेतु बनाई गई कुएंनुमा संरचना टांका कहलाती है। यहाँ पर अगर हम खड़ीन की बात करें, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संचय की एक तकनीक जिसमें एक तरफ दीवार और तीन तरफ की प्राकृतिक ढाल का प्रयोग करके जल को संरक्षित करके रखा जाता था जिसका प्रयोग बाद में कृषि कार्य व पेयजल के रूप में किया जाता था खड़ीन कहलाती थी। जोहड़ का हम पिछले प्रश्न के अंदर विवरण कर चुके हैं, टांका हमने अभी डिस्कस किया है और पोखर तालाब का एक उपनाम है। अगला प्रश्न है,
चंबल परियोजना के तहत बना कौन सा बांध राज्य के बाहर स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर स्थित होने के कारण ही पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चंबल परियोजना के तहत कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया था, जिनमें गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर प्रमुख थे। और इन 4 बांधों में से गांधी सागर एकमात्र ऐसा बांध है जो राजस्थान से बाहर स्थित है। अगला प्रश्न है, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, जबकि पशुओं की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में पहला स्थान है। दोस्तों भारत की लगभग 2 करोड़ जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, मूंग, तिल, मूंगफली, चना आदि किस फसल चक्र की फसलें हैं? दोस्तों मूंग, तिल और मूंगफली खरीफ की फसलें हैं, लेकिन चना रबी की फसल होने के कारण ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जाखम परियोजना कहां पर संचालित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़। दोस्तों जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की एक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा आदिवासी क्षेत्र को विशेष लाभ मिला है। यह राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी किस स्थान पर विलीन हो जाती है? खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी या अरब सागर? दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने कच्छ के रण को भी शायद कर मार्क किया होगा, तो ध्यान रखना है कच्छ के रण से होती हुई लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। हमसे पूछा गया है कहाँ पर विलीन होती है, तो राजस्थान से ये कच्छ के रण में प्रवेश जरूर करती है, लेकिन उसके बाद ये विलीन होती है कच्छ की खाड़ी में। तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? दोस्तों बाजरा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बोया जाने वाला खाद्यान्न है और बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है? दोस्तों राजस्थान में कुल 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है और इनमें से 44 प्रधान खनिज जबकि 23 लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 22% है और खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जायद की फसल नहीं है? तरबूज, ककड़ी, गाजर, खीरा? दोस्तों गाजर जो है वो जायद की फसल नहीं है। अब जायद की फसलें होती कौन सी है, तो ध्यान रखना है दोस्तों ऐसी फसलें जिन्हें अक्सर मार्च अप्रैल के अंदर बोया जाए और ये फसलें गर्मी और शुष्क हवाओं को सहन करने की अच्छी क्षमता रखती हैं, जायद की फसलें कहलाती हैं। दोस्तों जायद की फसलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तर आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने मंडल हैं? दोस्तों राजस्थान में कुल 2 जोन और 5 मंडल हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, जिसमें कुल 4 मंडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, रातानाड़ा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों रातानाड़ा जोधपुर में स्थित एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जिसका सैन्य महत्व होने के कारण यह अधिक चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न है, सुकन्या परियोजना का संबंध किस विभाग से है? LIC विभाग, डाक विभाग, रेलवे विभाग या भारतीय स्टेट बैंक? दोस्तों सुकन्या समृद्धि परियोजना डाक विभाग द्वारा कन्या के लिए यानी कि लड़कियों के लिए संचालित की गई एक परियोजना है, जिसमें जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक किसी भी बालिका का मात्र 250 रुपये देकर के एक अकाउंट खोला जा सकता है, जिसके अनेक लाभ भविष्य में उन्हें मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई जो है वो बाड़मेर जिले के अंदर है, लेकिन बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है जोधपुर, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाड़मेर के बाद दूसरे स्थान पर इन दिए गए ऑप्शनों में जो सबसे पहले स्थान पर है वो जोधपुर है, तो जोधपुर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? दोस्तों सांगानेर जयपुर में स्थित राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या केवल 1 होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं?
उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पूर्व? तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मानसूनी वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ पर वर्षा का अधिक होना है। राजस्थान का यही एक हिस्सा है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से राज्य में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3, 4, 5 या 6? भौगोलिक दृष्टि से राज्य में वनों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित या सुरक्षित वन व अवर्गीकृत वन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सीसा व जस्ता किस स्थान से प्राप्त होता है? दोस्तों जावर, उदयपुर से सर्वाधिक मात्रा में सीसा व जस्ता प्राप्त होता है। यह चांदी की राज्य की सबसे बड़ी खान है। राणा लाखा के काल में इस खान को खोजा गया था। अगला प्रश्न है, बाघेवाला खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। दोस्तों बाघेवाला खनिज तेल क्षेत्र बीकानेर में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के लिए सर्वाधिक मात्रा में किस साधन का प्रयोग किया जाता है? नहर, नलकूप, तालाब या नदी? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप के द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगभग 66% हिस्से में सिंचाई की जाती है। राजस्थान का जयपुर जिला सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई करवाने वाला जिला है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ही टेस्ट पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। कृपया अपने लाइक्स व कमेंट के द्वारा मेरा हौसला बढ़ाते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।